नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा जिले के सिमरिया तहसील से है, जहां सरकार दावा करती है कि सबको सरल सुलभ न्याय मिल पाए, इसके लिए न्यायालय तक हर व्यक्ति पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि इसका भी ध्यान रखा जाए कि दूर दराज से लोग कई किलोमीटर की यात्रा कर न्यायालय की शरण में पहुंचते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग न्यायालय तक भी नहीं पहुंच पाते और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। इसी तरह कुछ समस्या झेल रहे हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के सिमरिया तहसील के लोग, जो 70 किलोमीटर दूर सिरमौर न्यायालय जाने के लिए विवश है, जिसके लिए अब सिमरिया में सिविल न्यायालय की शुरुआत करने की मांग जोरों पर उठ रही है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विमलेश द्विवेदी ने बताया कि सिमरिया तहसील में कामकाज सही चल रहा है, जो भी अव्यवस्थाएं हैं क्षेत्र की जनता के कारण है। सिविल न्यायालय की समस्या बनी हुई है, जिसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है, लेकिन जब अधिवक्ता संघ के जिला न्यायाधीश से बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि जब तक सिमरिया में भवन नहीं बनेगा तब तक जंगल में अपने किसी भी न्यायाधीश को नहीं भेजेंगे। आपको बता दें कि अभी सिमरिया तहसील से लोग सिरमौर पेशी करने जाते हैं, जमीन आवंटित होने के बाद भी भवन नहीं बन रहा, जिसके लिए अधिवक्ताओं के द्वारा शासन प्रशासन को रोड़ा माना जा रहा है। जमीन उपलब्ध होने के बाद अगर भवन निर्मित हो जाए तो क्षेत्र के लोगों को सरल सुलभ न्याय सिमरिया में ही मिल सकता है। आइए सुनते हैं अधिवक्ताओं ने क्या मांग की है। तहसील में क्या है कि काम सही ढंग से चल रहे हैं, अब जो कुछ भी थोड़ा गड़बड़ी है वो क्षेत्र की जनता के कारण, क्षेत्र की जनता जो है आई की संपत्ति हड़पने के लिए गड़बड़ी फैला रही है, तो उसके लिए क्षेत्र की जनता जिम्मेदार स्वयं नहीं। सिविल न्यायालय के लिए सिमरिया अधिवक्ता संघ कई बार जो है प्रयास किया है, जिसमें प्रशासनिक अवरोध पैदा हो रहा है, डीजे से मुलाकात की गई है, डीजे द्वारा यह कहा गया कि हम अपने मजिस्ट्रेट को जंगल में नहीं बैठा सकते हैं, तो जब तक यहाँ सिविल न्यायालय की बिल्डिंग नहीं बनेगी डीजे के कहने के अनुसार, तब तक हमें लगता है कि सिविल न्यायालय यहाँ नहीं खुल पाएगा। और सिविल न्यायालय खुलवाने के लिए इसमें अधिवक्ताओं का बस हित नहीं है, पूरे क्षेत्र की जनता जो है उसका हित है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर ककड़ेरी से सिरमौर जाते हैं लोग पेशी करने, और पूरा दिन जो है व्यतीत हो जाता है, तो इस संबंध में क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के नेता, इन सबको एकजुट हो करके और सिविल न्यायालय के लिए खोले जाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। अधिवक्ता संघ सिमरिया से जो भी सहयोग लिया जाएगा वो देने के लिए हम लोग 24 घंटे तैयार हैं। इसके बारे में अभी जो है हम लोगों ने, ये प्रशासनिक काम है, बिल्डिंग के लिए जमीन जो है अलाट हो गई है, कुलौरा गांव में लगभग 3-3.5 एकड़ जो है सिविल न्यायालय के नाम हो चुकी है, जिसमें प्रशासन और प्रशासन पूरी तरह से इस चीज़ की जानकारी है, और ये काम तो क्षेत्रीय विधायक और सांसद लोगों का है, तो सांसद जी तो अभी निर्वाचित हुए हैं, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, और हम अपने संघ के माध्यम से सांसद जी से मुलाकात करेंगे, और मंत्री जी अपने जो मंत्री जी हैं शुक्ला जी, उनसे भी मुलाकात करेंगे और निवेदन करेंगे कि सिविल न्यायालय के लिए ठोस कदम है उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद। सिविल न्यायालय हमारा अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष की लड़ाई जब लड़ेगा सिविल न्यायालय के लिए तो हम उसके साथ हैं, और हमारा सिविल न्यायालय आनी चाहिए सिमरिया में। सिविल न्यायालय की लड़ाई अभी तक राजनीतिक स्तर से कुछ हुआ ही नहीं, किसी भी नेता ने किसी भी राजनीतिक दल का सिविल न्यायालय के लिए आज तक अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमने जब अध्यक्ष थे तो सिविल न्यायालय के लिए जमीन आवंटन कराई और न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया, यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक हमने वो लड़ाई लड़ी है, और ये इतना हो गया कि फाइल सिविल न्यायालय की, सिमरिया सिविल न्यायालय खोले जाने की फाइल जबलपुर में रजिस्ट्रार जी महोदय के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है, और जब सिविल न्यायालय की बिल्डिंग सिमरिया में बन जाएगी तब सिविल न्यायालय खोला जाना होगा, ये हमें डीजे साहब ने कहा है।
तो अभी जब बजट मिले तो राजनीतिक दल वालों ने तो क्षेत्र इनका कोई लेना देना नहीं है, विकास की बात करना तो बेकार है, बेईमानी है। अब सिमरिया की जनता जब उग्र होगी और अपनी मांग को लेकर आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, तभी यह बात संभव है। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। कांग्रेस सिमरिया सिविल न्यायालय की फंड की कोई बात नेताओं ने नहीं की, इनसे अभी तक इस तरह की अपेक्षाएं हम लोगों की थी, उस तरह से किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। हेलो, लड़ाई लड़ा भी कई विगत वर्षों से, इसके लिए लड़ाई लड़ा भी हर जगह, इसकी जानकारी मतलब दिया हम लोगों ने ऊपर तक। इसके लिए एक समय ऐसा है कि लिंक रोड साहब सिमरिया में आ रही है तो बिल्डिंग पूर्व विधायक के पी त्रिवासी द्वारा मरम्मत कराई गई, लेकिन फिर बाद में पता चला कि अब ये जर्जर है, इसमें नहीं आ सकती लिंक रोड। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे क्योंकि सिविल कोर्ट आ जाने से यहाँ अपने यहाँ के जो सिमरिया क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, अधिकांश लोगों के सब सिरमौर में चलते हैं, बेचारे परेशान होते हैं पूरा दिन, वहाँ उनको समय लगता है। अगर अपने यहाँ सिविल कोर्ट आ जाएगी उनके समय की बचत होगी, उनको उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, यहाँ के अधिवक्ताओं को भी बेनिफिट होगा। और इसकी लड़ाई हम लोग तत्पर लड़ेंगे, मैं विधायक कट्टूर भी वर्तमान में, मैं भी इसके लिए पूरी यहाँ से ऊपर तक जहाँ तक दिल्ली भोपाल जहाँ तक जाना पड़ेगा जाऊँगा और प्रयास करूँगा कि इसके लिए जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई प्रोसीजर कार्रवाई की जाए। सिमरिया की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम सभी अधिवक्ता सिविल न्यायालय की मांग करते हैं किसी तरह से हमारे सिमरिया सिविल न्यायालय, क्योंकि यहाँ जो सिरमौर न्यायालय है वर्तमान में तो ADJ कोर्ट है, लेकिन सर्वाधिक प्रकरण हमारे सिमरिया क्षेत्र के हैं और सिमरिया तहसील से हमारे जो प्रकरण हैं हमारे अधिवक्ता साथी वहाँ पैरवी के लिए जाते हैं, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है और आए दिन यहाँ के लोग एक्सीडेंट होते हैं, परेशान होते हैं, इससे हमारे सिमरिया में सिविल न्यायालय को होना बहुत आवश्यक है। इसकी पूर्व में जो अध्यक्ष थे हमारे लड़ाई भी लड़े हैं, पूरे अधिवक्ता यहाँ मांग रखे, पूर्व में हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, पूर्व मंत्री हमारे और जो पूर्व के हमारे विधायक थे सभी इस पर प्रयासरत थे, लेकिन आज तक हमारा सिविल न्यायालय नहीं हुआ, जिससे हम क्षेत्रवासी काफ़ी दुखी हैं और सिविल न्यायालय का पुरजोर समर्थन करते हैं कि सिमरिया में सिविल न्यायालय होना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि सिविल न्यायालय यहाँ पे नहीं खुल पाई? सिविल न्यायालय का जो प्रमुख कारण है तो जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा गलत जानकारी दे दी गई कि सिमरिया में व्यवस्था नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पूर्व विधायक द्वारा ये एक भवन बनाया गया उसमें व्यवस्थाएँ भी कराई गई थी, यहाँ सिविल न्यायालय के लिए समस्त व्यवस्थाएँ हैं, इस कोर्ट के अंदर समस्त व्यवस्थाएँ सिविल कोर्ट संचालित करने के लिए बनाई गई हैं और हमारे यहाँ पर्याप्त सरकारी भूमि है, तहसील का बहुत बड़ा भवन है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी जो है टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें, हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 0779-0630-20, 0691-9846-808।